गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 16, नीति के दोहे। दोहे मीन्स ये छोटे छोटे दो लाइन होते हैं दोहे में, और इसमें नीति मीन्स बहुत अच्छी बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोहे जो है बहुत सारे हमारे कवि और लेखक के हैं। मेन जैसे होते हैं तुलसीदास, है ना, कबीर जी, इन सभी के बारे में हैं, रहीमदास, है ना। तो कुछ जो कवि और लेखक के दोहे यहाँ लिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ऐसी बानी मीन्स वाणी, जो हम बोलते हैं, जो हम बातें करते हैं, तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, ऐसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मन का आपा खोए, आपा मीन्स अहंकार, घमंड, हमें अहंकार और घमंड को त्याग के मन से अच्छी बातें बोलनी चाहिए, है ना। तो जो आपके अंदर जो घमंड है, अहंकार की बोली हमेशा कड़वी होती है ना। घमंड की बोली जो है दूसरों को बहुत कड़वी माने कड़वी होती है, दूसरों को बहुत चोट पहुंचाती है। तो हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे जब हम बोलते हैं तो दूसरा कोई सुने तो उसे बहुत अच्छा लगे। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए कि हमने बोला और दूसरे को बहुत कष्ट पहुँचे, ठीक है। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो बातें हैं, वो दूसरों को अच्छी लगे, ऐसी बोलनी चाहिए। और जब दूसरे आपकी आपकी बोली की प्रशंसा करते हैं तो आपको भी अंदर से कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है। तो यहाँ इस दोहे का आशय ये है कि हमें अपने अंदर के घमंड और अहंकार को त्याग के मीठे वचन, मीठी बोली बोलनी चाहिए। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौली के तब माहर तब मुख बाहर आन। बोली एक अमोल है, अमोल मीन्स जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। तो हमारी बोली जो है, हमारी जो वाणी है, वो क्या है, अमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो कोई बोले जान, अब देखिए बातें तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कैसी बातें करनी चाहिए, मीठे मीठे वचन का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ यही कहा गया, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान। अब इसका मतलब ये नहीं कि गूंगा बोलने नहीं जानता है उसके बारे में बोला गया है, ऐसा नहीं है। जो मीठी बातें करते हैं उन्हें ही कहा गया कि सच्चे अर्थ में बातें या वचन बोलते हैं। ये तराजू तौली के, हृदय मीन्स हृदय, हृदय रूपी तराजू में अपने बातों को तौल के तब हमें अपने मुँह से बाहर लाना चाहिए वचन को या वाणी को या बोल को। इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसी बातें, जब भी हम कोई बातें बोलते हैं किसी को या किसी के बारे में, तो पहले उसे देख लें कि हम कैसी बातें बोल रहे हैं, है ना, हम किस तरह की बातें बोल रहे हैं, कैसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले ये सब अपने दिल में सोच लीजिए, हृदय रूपी तराजू में तौल लीजिए, उसके बाद आप उस शब्द को, उस वचन को अपने मुख से, अपने मुंह से बाहर निकालिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, है ना। तरवर फल नहीं खात है, सरवर सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति संजही सुजान। तो तरवर मीन्स वृक्ष, पेड़, फल, देखो पेड़ जो है हमें फल देते हैं लेकिन वो स्वयं कभी नहीं खाते। सरवर पियत न पान, सरवर मीन्स तालाब, तालाब जो है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज ही संपत्ति सचही सुजान, तो ठीक इसी तरह रहीम जी कह रहे हैं कि जो सुजान मीन्स जो बुद्धिवान या चतुर व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो जो अपने संपत्ति, संपत्ति मीन्स धन संपत्ति जो भी इकट्ठा करते हैं, संचय करके रखते हैं, वो किसके लिए रखते हैं, दूसरों के हित के लिए, कि दूसरों के हित में वो काम आ सके, दूसरों की भलाई में वो काम आ सके। समझ में आया, जिस तरह तालाब अपना पानी नहीं पीता, पेड़ अपना फल नहीं खाता, ठीक जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो जो संपत्ति या धन को संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके जमा करके रखते हैं, वो अपने लिए नहीं रखते हैं, वो दूसरों की भलाई में काम आ सके इसके लिए रखते हैं, ठीक है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, मीन जो हम मीठा वचन बोलते हैं वो
औषधि के तरह है, औषधि मीन्स दवाई की तरह है। कटुक वचन है तीर, जो कड़वे वचन हैं, जो कड़वी बोली है वो किसकी तरह है? तीर की तरह है। जिस तरह तीर दूसरे के शरीर में चुभता है उसी तरह कटुक वचन भी दूसरे के शरीर में चुभते हैं। और मीठे वचन जिस तरह औषधि मीन्स दवाई हमारा इलाज करते हैं, तो ठीक इसी तरह मीठा वचन भी हमारा इलाज करते हैं, है ना। श्रवण द्वार से संचर है, श्रवण मीन्स सुनने वाले, दरवाजे मीन्स कान। जब हम कान से मीठे वचन या कड़वे वचन सुनते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है, मीन्स मीठा वचन भी पूरे शरीर में फैलता है और कड़वे वचन भी पूरे शरीर में फैलते हैं। तो हमें अच्छा वचन बोलना चाहिए जो कि औषधि का काम करे, हमें कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए जो कि तीर का काम करे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के मीन्स जितना हम अभ्यास करते हैं, बार बार करते हैं, काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इससे हम क्या होता है, क्या होता है, जड़मति होत सुजान। जड़मति मीन्स मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सुजान मीन्स बुद्धिमान बन जाता है, चतुर बन जाता है ना। काम करने से, बार बार प्रयास करने से, कोशिश करने से बार बार क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है या बुद्धिमान बन जाता है। ठीक उसी तरह रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी है, रस्सी को अगर हम सील पे, सील मीन समझते हैं आप लोग, जिस पे पहले के लोग जो है, अब तो मिक्सर में लोग मसाले पीसते हैं लेकिन पहले सील पे पीसा जाता था। अगर आप किसी रस्सी से बार बार सील पे ये करते हैं, माने उसको लेते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, या पत्थर पे भी देखे घिसेंगे रसरी को, रस्सी को, तो क्या होता है, उस पे भी निशान पड़ जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो चीज़ नहीं आती है उसे सीखने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा मीन्स मैंने यहाँ पे है, जैसे एक एग्जांपल दिया आपको, पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ जो हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लेकिन वो पेड़ किसी काम के नहीं होते हैं, ना तो वो राही को, मुसाफिरों को छाया देते हैं, है ना, और फल लग जाती दूर, उसमें फल भी इतने दूर होते हैं कि दूसरा ना तो कोई जानवर अपनी भूख मिटा सकता, ना ही इंसान। तो ये पेड़ किसी काम के नहीं होते हैं। इसी तरह हमें भी ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए जो किसी के काम ना आ सके, हमें ऐसा बनना चाहिए जो सबके काम आ सके, है ना। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दी जाए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तरवारी। ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देख के या बड़ी चीज़ों को देख के छोटी चीज़ों को हमें त्यागना नहीं चाहिए, है ना। इसका एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिखा है, जैसे आपको कपड़े सिलाई करने हैं तो वहाँ सुई काम आएगा, तलवार काम नहीं आ सकता है ना, क्योंकि तलवार बड़ा है लेकिन सुई छोटा है। लेकिन बहुत जगहों पे हम सुई का ही प्रयोग कर सकते हैं, तलवार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें बड़े लोगों को या बड़ी चीज़ों को देख के छोटी चीज़ों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना मूल्य होता है, है ना। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई चोक। जे गरीब पे हित करे, जो गरीबों का भलाई करता है वही वास्तव में बड़ा होता है ना। कहाँ सुदामा बापुरो, बापुरो मीन बेचारे, सुदामा कहाँ, सुदामा जो कि बहुत ही गरीब थे, बेचारे थे, और कहाँ कृष्ण जो कि भगवान थे, है ना। देखो सुदामा जो है बहुत ही गरीब है ना, और कृष्ण जो कहाँ है, भगवान थे। दोनों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि किस तरह कृष्ण ने उनके साथ अपना हमेशा मित्रता रखा, है ना। ठीक इसी तरह हमें भी अगर बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, गरीबों का हित करना पड़ेगा, भलाई करना पड़ेगा। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहोर, बसीकरण एक मंत्र है तजी देव वचन कठोर। ये तुलसी जी के दोहे हैं। तुलसी जी यहाँ कह रहे हैं, तुलसी मीठे वचन थे, यानी मीठा वचन जो हम बोलते हैं उससे क्या होता है, चारों ओर सुख मिलता है ना, चारों ओर क्या हो जाता है, सुख फैलते हैं।
वशीकरण एक मंत्र है, तजि देव वचन कठोर। वशीकरण मीन्स दूसरों को अपने अंदर में लाना, दूसरों को अपने वश में करना। इसका सिर्फ एक मंत्र है कि हमें मीठे वचन बोलना है, ठीक है। तजि देव वचन कठोर, और हमें कटुक वचन, कड़वे वचन को हमें क्या करना है, त्याग देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास जी ने कहा है कि मीठे वचन से चारों ओर क्या होता है, सुख मिलते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसी वचन से, इसी मीठी वचन के कारण ही हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। मीन्स दूसरे आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे, अगर आपका वचन मीठा है। लेकिन अगर आपका वचन कठोर है तो कोई आपके पास नहीं आता है, और चारों ओर दुखी दुख होता है, क्योंकि उस वचन को सुनने के बाद लोगों को खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कठोर वचन को, कड़वे वचन को त्यागना पड़ेगा। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक सीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर वचन से क्या होता है, जो जात पात ये सब क्या होता है, मिट जाता है। उत्तम जन अभिमान, इसे हमारा अभिमान, अभिमान मीन्स उत्तम जन अभिमान, मीन्स अभिमान मीन्स क्या होता है, अपने अंदर का जो अभिमान है वो भी उत्तम होता है ना, लोगों के लिए उत्तम होता है मधुर वचन से। तनिक शीत जल सौ मिटे, शीतल जल से क्या होता है, थोड़ा सा ही शीतल जल मिलता है तो हमारे हर दुख, हमारे हर प्यास मिट जाते हैं, जैसे दूध उफान, ठीक है। तो देखिए, आप लोग का ये जो नीति के दोहे हैं, इसको आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है।